छतरपुर के ग्राम चौका में शासकीय भूमि पर बने लगभग आधा दर्जन मकानों पर बीते रोज एसडीएम अखिल राठौर द्वारा बुलडोजर चलवाकर जमींदोज किया गया। पीड़ित परिवार आज कलेक्टर कार्यालय छतरपुर पहुंचे और न्याय की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें कि कलेक्टर कार्यालय परिवार सहित पहुंचे लोगों ने मीडिया को आप बीती सुनाते हुए कहा कि भीषण गर्मी में हम लोगों के मकान बगैर कोई सूचना और बगैर नोटिस दिए मकान गिराए गए। ये जिला प्रशासन की तानाशाही है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर ऐसी भीषण गर्मी में कहां जाए। आपका आज क्या समस्या है? आपको क्या है सर? हमारे मकान गिराए जा रहे हैं। कल 3 बजे मशीन गई थी। आरआई साहब, पटवारी साहब, तहसीलदार, एसडीएम सर, लेडीज पुलिस और जेंट्स पुलिस सब लोग गए। हमें कोई सूचना दी नहीं गई, न कोई नोटिस दिया गया। सर हमारा पहले जन सुनवाई में केस भी चल रहा था, प्रधानमंत्री आवास भी आया, हमने रसीद भी कटवा ली, फिर भी हमारा मकान गिराएगा। अगर हमारा मकान गिर जाएगा तो हम यही आत्महत्या करके यही मर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारा नेट पे देखा जाए, हम ऐसे कहाँ तक दिए घुट घुट के। हर साल हमको बस परेशान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि महिलाओं को मकान दिया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? हम लोगों की जान निकल जाएगी जब पढ़ेंगे। ऐसा करने से क्या होता है? झूठी दिलासा क्यों देते हैं मुझे? मुझे यहाँ से 3 साल केस लड़ते हो गया जन सुनवाई में, मुझे कोई लिखित नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? मुझे हक देना चाहिए ना मेरा। कलेक्टर साहब ने एसडीएम सर को आदेश दिया, एसडीएम सर ने हमें जमीन दिलवाई, पटवारी साहब गए, फिर हमें लिखित क्यों नहीं दिया गया? पट्टा क्यों नहीं दिया गया? क्या चाहती हैं, क्या मांग है? हमारे मकान नहीं गिरना चाहिए, हमें पट्टे चाहिए और मकान चाहिए। अभी जो हमारे मकान गिर गए हैं उनका मिलना चाहिए पैसा। गरीब कितने लोगों के मकान गिरा गए? कितने लोगों के मकान गिराएगा? मकान 5-6 मकान गिर गए हैं। एक आवास योजना का पूरा मिटा दिया। ऐसी गर्मी में कहाँ रह रहे हैं आप लोग? मकान गिर गए जी। भैया क्या नाम है आपका? हरी यादव। कहाँ के हो? चौका निवास। क्या समस्या है? मकान गिरा दिए हुए हैं हम लोगों के। कब मकान गिराया? क्या कल मकान गिरा दिए? किसने गिराया? एसडीएम साहब आते थे और तहसीलदार साहब आते, पटवारी मैडम आती और पुलिस आती थी साथ में, और आरआई साहब भी आते थे। कारण क्या मकान गिरा? कारण ये है कि वहाँ पर सरकारी जमीन डली हुई है, हम लोगों ने वहाँ पर मकान कहीं रहने के लिए व्यवस्था ना की तो वहाँ पर मकान बना लिए हैं। कुछ आवास योजनाएं भी बनी हुई है, आवास भी मिली हुई है। आवास वालों के भी मकान वहीं पे बने हुए हैं, सरपंच द्वारा के यहाँ पर बना लो, आप लोगों को कहीं व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पर बना लो। कितने साल से आप रह रहे हो वहाँ पे? कितने साल से? कुछ लोग तो 40 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग 10-12 साल से रह रहे हैं, और ऐसी कुछ लोग 20 साल से रह रहे हैं। क्या आवास मिला था आप लोगों? हाँ, कुछ लोगों को आवास मिला है। पट्टा थे क्या? नहीं, पट्टा नहीं बनाया सर। अभी जो मुख्यमंत्री साहब पिछले मुख्यमंत्री थे ना, उन्होंने पट्टा जारी करने के लिए कहा था, लेकिन अभी पट्टा किसी का नहीं बना है, किसी भी बस्ती में भी किसी का नहीं बना। बिजली के बिल है क्या? नहीं, कल लाइट भी काट दी हुई है बिजली वालों ने। रात भर मच्छर चीखता रहा, बच्चों को ऐसी मैदान में डाले रहे, वहीं पर जानवर थोड़ी से रखे हुए हैं, गैया हैं किसी के पास में तो वो भी रखे हुए हैं ऐसी। आपने विधायक आज कहाँ पे आ गए? हाँ, की थी कल विधायक से शिकायत। नहीं, आज कहाँ पे आए? कलेक्टर साहब के यहाँ आए। क्या चाहते हैं?